सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा वो है, आज मैं लेने जा रहा हूँ न्यू बाइक। एक्चुअली पापा लेंगे मेरे न्यू बाइक। बाइक पहले वाली बाइक थी जो उनकी, वो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। एक्चुअली वो 1990 की ही थी। अभी तो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है, पेपर सब सारा मतलब कि वो मतलब ख़राब हो चुका है। दैट्स वाई थोड़ा रिक्सी हो जाता है रोड पे उसको राइड करना। तो मैं आपको बाइक भी दिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी बाइक थी जो मेरे पास 1990 से थी, जो मेरे पापा यूज़ कर रहे थे। उसी को आज चेंज करना है हमें। और जो दूसरी बाइक आज हम लोग लेंगे वो सरप्राइज़ रहेगी आपके लिए। और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कौन सी बाइक है और जो हम लोग लेने जा रहे हैं। वीडियो में आप प्लीज़ बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज़ ऐसी ही वीडियोस मेरी और भी आती रहती है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फ़िलहाल आपको बाइक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक है, वो बजाज की है। और जब बजाज और कवास्की का कॉम्बिनेशन था फ्रेंड्स, तब की ये बाइक है। देख सकते हैं आप, कवास्की की ये इंजन है इसकी। ये बाइक उस समय उड़ी बाबा के नाम से फेमस थी, बहुत अच्छी माइलेज देती है अभी भी। फिलहाल इसका अभी तो लगभग टाइम हो गया इस बाइक को मतलब परचेज किए हुए, 1990 की बाइक है ये। उस हिसाब से ये बाइक बहुत दिन चली है। मैं आपको इसका थोड़ी सी राइड भी दिखाऊंगा और इसका आवाज़ भी सुनाऊंगा। एक्चुअली गाड़ी अभी भी मेंटेन में है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहीं नहीं है। गाड़ी का इंजन भी अभी नहीं खुला है, बट पेपर इसका थोड़ा सा डैमेज हो गया था। दैट्स वाई हम लोगों को अब न्यू बाइक परचेस करना पड़ रहा है। तो आपको कैसी लगी ये बाइक, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी की एग्जॉस्ट की साउंड अभी भी वैसी ही है जैसे कि न्यू में थी, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। इधर हाई करके देखते हैं। तो पापा बताइए, आप इतना दिन से ये बाइक चला रहे हैं, तो आपको इस बाइक का क्या खासियत लगा और एक्सपीरियंस कैसा था आपको, और ये बाइक आप कब लिए थे? ये बाइक हम 1993 में लिए थे। बाइक बहुत अच्छा है, चलाने में बहुत अच्छा, हल्का है। दूसरा है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक से नहीं हुआ है। हमको चलाने में बहुत मज़ा आता है, हल्का लगता है। अभी हम सोच रहे हैं कि दूसरा बाइक लेंगे। बेचना तो नहीं चाहते हैं, छोड़ना गाड़ी में, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण उसको हटा रहे हैं। ये जो है इसका बहुत दिन हो गया है, 10-15 साल हो गया है, उससे बेसी हो गया है। इसका कागज़ पत्र हमारा एक भी नहीं है। रोड में चलाने से थोड़ा डरता हूँ मैं, कहीं आजकल तो देखते हैं हेलमेट नहीं तो मास्क नहीं, गाड़ी का कागज़ पत्र नहीं है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है आने जाने के लिए। अभी तो फिलहाल ठीक है, गाड़ी भी ठीक ही चल रहा है। और बताइए, आप आज कौन सा बाइक लेने जा रहे हैं? तो आप अभी तक में जो बाइक देखे हैं वो बाइक मतलब देखने में आपको पसंद कैसा आया है? बाइक देखने में बाइक ठीक है, यामाहा का FZ लेने जा रहे हैं। अब जो है अभी हम जाएंगे, दुमका जा रहे हैं, वहाँ पर शोरूम में देखते हैं कि किस तरह का गाड़ी है, कैसा गाड़ी है, का वहाँ का माहौल क्या है नहीं है देखना पड़ेगा। कहाँ तक क्या होगा नहीं होगा, कागज पत्र क्या होगा नहीं होगा, बनाएगा कहाँ तक, कब तक बनेगा नहीं बनेगा, ये सब देखते हुए चलना है। जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो में बने रहें, आगे चलते हैं, वीडियो आपको दिखाएंगे। Thank you.
I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away.
सो गाइज एक्चुअली रात हो गया था जिस कारण से एक डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया और फ़ोन भी मेरा डेड हो गया था जिस कारण से मैंने सूट नहीं कर सका। सो फ्रेंड्स मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बाइक हमने ली है। आपको तो पता ही है यामा की FZX हमने परचेज करी है। इसका जो फुल रिव्यू होगा फ्रेंड्स मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बारे में पूरा डिटेल्स और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको कि ये ब्लूटूथ एडिशन है जो कि मैंने परचेस करा है। आइए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की ये बाइक है, जस्ट पूजा हुआ है। आप देख सकते हैं बाइक को, टैंक थोड़ा बड़ा है बट कलर बहुत ही अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी एग्जॉस्ट की साउंड भी बहुत ही अच्छी है। इसमें फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं लेग गार्ड इंक्लूडेड है, और सब बाइक्स में लेग गार्ड जल्दी नहीं मिलती है बट इस बाइक में लेग गार्ड इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाके ज़रूर इसके रिव्यूज़ के बारे में चेकआउट करें, बहुत ही अच्छी बाइक है। और फिलहाल ये वीडियो यहीं तक का था। सो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।